टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी यार काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी क्रेजी रहने वाली है। तो फर्स्ट टाइम मैं अपना फेस कैम ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो मैं आगे भी अपनी फेस कैम वीडियो डालने वाला हूँ। तो यार आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बता सकते हैं, लेकिन अगर मेरी फेस कैम वीडियो नहीं आती है इसका मतलब मैं अपने सेटअप पे नहीं हूं एंड मैं ट्राई करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को फेस कैम वीडियो दूं एंड आप लोगों को क्या चाहिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रॉबिन के बारे में। मैंने आप लोगों को अपनी सुबह वाली वीडियो में बता दिया था कि जो रॉबिन है वो गॉडस्टेन को लीव कर सकते हैं एंड साथ में वो ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं हमको कोई और बट काफी लोगों को इस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यार जो रॉबिन है वो मे बी हमारे को ओआरई स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं एंड देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या अपडेट रहे। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है कि हमारे को जो घातक भाई उन्होंने एक स्टोरी डाल के बताया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था घातक 2.0 इज कमिंग सून एंड इसके बाद जो शिवानंदी उन्होंने एक स्टोरी डाली जहाँ पे उन्होंने ये चीज बताई थी कि पहले ए वर्सेस बी होता था, अब ए वर्सेस बी वर्सेस सी होने वाला है। तो इस चीज के ऊपर जो डी उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कुछ हिंट्स वगैरह दिए, तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। ए वर्सेस बी वर्सेस सी सच में हो रहा क्या? अरे ए वर्सेस बी वर्सेस सी का आई गेस ये मिलेंगे कि अभी तक पूरे इंडियन जो BGMI सिनेरियो है ठीक है, तो उसमें अभी तक ये होता है कि सोल वर्सेस गॉड लग ए वर्सेस बी। तो अभी जिसने भी ये कहा उसका कहने का मतलब ये रहेगा कि अब ए वर्सेस बी नहीं होगा, कोई सी भी आएगा, कोई तीसरी ऑर्ग भी आएगी। तो आई गेस वो रेफरेंस है कहने का आई गेस। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है थग भाई ये नियो को लेके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नियो है जब वो स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे हमारे को कुछ सुपर चैट्स देखने को मिलती है जो बेसिकली 8-bit थग नाम से होती है एंड वहाँ पे पहली सुपर चैट में लिखा होता है अब असली लग रहा कि नहीं एंड साथ में वो लिखते हैं शोल पाशा एंड वो सुपर चैट्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद एक और सुपर चैट देखने को मिलती है जहाँ लिखते हैं बच्ची सोल के साथ जुड़ने वाली लीक दे दू क्या चैट को एंड इसके बाद लिखते हैं चैट को झूठ मत बोल पाशा कहाँ रिफंड ये सब चल खैर वीडियो आ जाएगा। तो काफी लोग इसे मिसलीड हो गए थे कि वो नियो जो है सोल के साथ हमें जुड़ते हुए दिख सकते हैं। तो इस चीज से मैंने कंफर्म कर लिया था थक भाई से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक अकाउंट एंड फेक सुपर चैट्स थी। तो ऐसा अगर आप लोगों को भी दिखता है यार आप लोग भी बिलीव मत करो। एंड इसके बाद यार काफी सारे रूमर्स हमारे को ये देखने को मिल रहे थे कि जो स्पाइक्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं गॉडलाइक को। तो इसी के ऊपर जो सरदार जी उन्होंने क्लियर करा कि उनके दूसरी ओर के अंदर ट्रायआउट्स चल रहे हैं, वो गॉडलाइक को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। एंड इसके बाद हमारे को जो एडमिन है उनकी एक स्टोरी देखने को मिली जहां पे उन्होंने बताया था कि काफी सारे रूमर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो गॉडलाइक को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये रूमर्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो जेली है वो उनके ओल्ड टीममेट है, उन्होंने गॉडलाइक को ज्वाइन कर लिया है लेकिन वो साथ में नहीं जा रही है। एंड अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो खुद से अपडेट करने वाली है। एंड इसके बाद उन्होंने बताया था कि लाइनअप की अपडेट उनको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद यार आप लोगों को भी पता ही है कि जो क्लच गॉड है उनको ऑफर किया गया था कि वो गॉडलाइक के अंदर रहे एंड वो जॉनी के साथ टीम में रहे, बट उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बताया था कि वो शैडो के साथ स्टिक करने वाली है। तो इसके ऊपर भी जो नीव है उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। अभी तुमको मैं बताता हूँ कैसी ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या हो गया था कि तुमको याद है अपना ना स्काई स्पोर्ट्स सब सही चल रहा था ठीक है, स्काई स्पोर्ट अच्छा गया। तुमको पता है कि करंट जो परफॉर्मेंस है अगर उससे कंपेयर करें तो अपना स्काई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा गया ठीक है। तो अपना जो अप थ्रस्ट का पहला दिन था ठीक है, तो अप थ्रस्ट के पहले दिन में ऐसा हो गया कि परफॉर्मेंस बहुत खराब गया। और अभी प्रो ये लोग इतना टेम्परमेंट इनका इतना वीक हो गया या मेंटली इतने ये हो गए कि अभी दो तीन मैचेस भी खराब जाते ना, एक दो मैचेस तो ये लोग नहीं वो चीज संभाल पाते। माँ हाँ, तो फिर वही सीन है कि ऐसा सीन फर्स्ट डे पे मैचेस खराब खराब गया। तो फिर मैंने यही चीज बोला कि आओ बैठ के बात करते, तो बात करने के टाइम पे थोड़ा अनबन हो गया ठीक है, थोड़ा झगड़ा हो गया आपस में इनका। तो फिर मैं बोला यार क्या झगड़ा करने का ये वो, तो लाला उसमें लाला बहुत गुस्सा हो गया था, जॉनी बहुत गुस्सा हो गया था ठीक है। तो ये चीज हो गई थी। फिर आई गेस ऐसा सीन था कि लाला को नहीं खेलने का मन था बहुत टाइम से, लाला को आई गेस लाला को एक्चुअली स्काई स्पोर्ट्स खेलने का भी मन नहीं था। उसने मतलब ये चीज शैडो ने कही हम लोग जब बैठे थे कि उसको स्काई स्पोर्ट्स खेलने का मन नहीं था, उसको न्यू टीम बनाने का था। तो ये चीज बट शैडो ने उसको थोड़ा फोर्स किया कि आ जाए मतलब एक लास्ट टूर्नामेंट खेल लेते, अगर अच्छा गया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं गया तो फिर देख लेंगे न्यू टीम बनाएंगे अपन। तो जेली को लेना तो हम लोग का पहले से था प्लान, ऑब्वियसली जेली को हम लोग लेने वाले थे। तो ये चीज जब लाला जब मेन अभी लाइनअप होने वाली थी जेली अभी जो आदित्य
जॉनी और क्लच गॉड, ठीक है, क्योंकि जली ने कहा कि उसको ऐसा कोई प्लेयर चाहिए जो उसके मरने के बाद टीम को हैंडल कर पाए, जो स्काउट कर पाए, जो मतलब एक प्रॉपर फिल्टर का काम कर पाए, वो लाला कर पाएगा। तो लाला, क्योंकि लाला पहले का आईजल रह चुका, तो उसको ऐसा था कि लाला है टीम में तो और ये होगा ऐसा वैसा, तो ये चीज़ हुआ। तो क्लच गॉड से जब मैं रात को बैठ के रूम में बात कर रहा था, मैं क्लच गॉड और निक्सन थे रूम में, तो मैं क्लच गॉड को बुलाया, मैंने बोला यार क्या सीन है ब्रो, बता दे क्यों जाना है, मतलब भाई देखो छोड़ के क्यों, मैं उसको बोला कि छोड़ के क्यों जाना, नहीं ऑब्वियसली क्यों टीम भाई, मैं सब लोग आएगा इसलिए अपन सब लोग एक साथ, क्योंकि अपन बहुत टाइम से एक साथ है, वो मेरे को नहीं भाईचारा ब्रो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं उसको बोला, बट उसका भी सही था कि ना, उसका उसका ये था कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है अड्डा परफॉर्म कर करके, अब मेरे को जीतना है, तो वो चीज़ का मैं लाला का रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे उसने बोला कि मेरे को जीतना, और उसने बोला कि मैं मेरे मर्जी का कुछ कर सकता कि नहीं कभी, मतलब मेरे को मेरा मन है, उसने जैसे ही बोला मेरा मन है, मैंने बोला ठीक है ब्रो तू कर, ऐसा नहीं है कि तू टीम चेंज करने के बाद कि भाई नहीं रहेगा, ऑब्वियसली ब्रो ये सब इतने अपन ये नहीं है, ठीक है। तो उसका मन है उसको न्यू टीम बनाने का, भाई है मेरा, उसको फुल सपोर्ट है ब्रो, और मेरे को चाहिए मेरे को दिल से कि वो इन फ्यूचर वो ट्रॉफी जीते, वो भी जीते, हम भी जीते, तो मेरे को यही चाहिए ब्रो, बस और कुछ नहीं। तो दिस इज इट। एंड इसके बाद हम बात करते हैं गॉड लाइक के एनालिस्ट पोटर गेमिंग के बारे में। तो उनसे काफी लोग बोल रहे थे कि जो शेडो का ड्रॉप रहने वाला है, जो गॉड लाइक का ड्रॉप रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है, हमारे को ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करा, ने क्या बोला वो आप लोग देख लो। Why there is no change in the drop location? Rozoq is best as compared to Giorgio Pool. Rozoq में जो जैली है उसको खुद को ही अगर नहीं खिलाना है, वो चाहता है कि Giorgio Pool खेले, तो वो जैली की मर्जी है, और जैली कर भी रहा है अच्छा Giorgio जाके, और नहीं भी कर रहा है, तुम लोग को नहीं भी दिख रहा है, तो अभी दिख जाएगा बिकॉज जैली का नया नया है, तो वो कर लेगा मेरे हिसाब से। जॉनी MVP मांगता है, देखो जॉनी। इसके बाद जो लास्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स को लेके। एंड ये यार आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग अपडेट रहने वाली है, एंड मैं खुद इसको सुन के शॉक हो गया था। तो आप लोगों को भी पता ही है गॉडलाइक है वो एक और असॉल्टर ढूंढ रही है, एंड इससे रिलेटेड मेरे को अपडेट एंड लीक्स वगैरह मिलेगी। जो MJ है वो हमें ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स, एंड देखते हैं हमें कब तक कन्फर्म होता हुआ दिखाई देगा। एंड आप लोगों को यार अगर मेरी लीक्स अच्छी लगती है तो आप लोग भी यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी फर्स्ट वीडियो है फेस कैम वाली, एंड मैं काफी ज्यादा नर्वस था, मैंने वीडियो बना दी है। अब आप लोगों के हाथ में यार आप लोगों को प्यार दिखाना है या फिर आप लोगों को मेरे को ट्रोल करना है। एंड अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो मेरे को हिम्मत मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने की। एंड अगर आप लोग ट्रोल करेंगे तो यार मैं काफी डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो आप लोग भी यार अपने सजेशंस बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।